वेलकम टू फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कैडी मिनाटी जी का वीडियो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक द एंड वीडियो, जो कि डिलीट कर दिया गया है यूट्यूब के द्वारा किसी कारणवश। और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट वीडियो बनाया था जिसका कि टाइटल था स्टॉप मेकिंग एजप्शन। और उन्होंने इसमें बताया था कि जो प्रत्येक वर्ड होता है उसका अलग अलग मीनिंग होता है। अगर हिंदी से इंग्लिश किया जाए, इंग्लिश से हिंदी किया जाए, तो प्रत्येक वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है और एक वर्ड का बहुत सारे मीनिंग होता है। तो उन्होंने बोला था कि अपनी एजप्शन को फैक्ट की तरह मत रिप्रेजेंट करो। तो आज है 22/5/2020 और आज के वर्ड्स ऑफ द डे में जानेंगे इसी तीन वर्ड का मीनिंग इन हिंदी। तो उन्होंने पहला वर्ड का प्रयोग किया था एजम्पशन, जिसका कि हिंदी होता है कल्पना। सेकेंड वर्ड है फैक्ट, जिसका कि हिंदी मीनिंग होता है तथ्य। और थर्ड वर्ड उन्होंने प्रयोग किया था रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का हिंदी होता है दर्शाना। तो उनके कहने का मतलब था अपनी कल्पना को तथ्य की तरह मत दर्शाओ। आइए अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा डोंट रिप्रेजेंट योर एजम्पशन एज फैक्ट। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी गलत शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोग वीडियो को देखते हैं। अगर इस तरह के वीडियो को छोटे बच्चे देखते हैं तो उन पे वहाँ पे गलत असर पड़ता है। इन सभी बातों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।